अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ तारिक अली और आप देख रहे हैं तारिक इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है आज सीलिंग फैन मशीन की, ये जो सेट वाले कान होते हैं, ये जो पंखे को लगते हैं वो वाले। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के बटन को ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आई है। तो ये जो है हिस्सा, इसका पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है मुकम्मल तफसील के साथ, वो देख ले। तो और ये डाई की भी मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, ये भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। तो आज हम ये जो सेट वाले कान होते हैं इस पे बात करेंगे, जो इधर लगते हैं इस तरह पंखे हमारे के, जो तार अंदर डलती है तो उसके लिए। ये देखें, ये मैंने बनाया है। ये इसकी पहले शाफ्ट देख लेते हैं। ये देख लें, ये इस तरह का बुश बनवाया था, ये देखें। और इसमें यह सुराख करा के चूड़ी डाल दी है। और ये शाफ्ट है, इसमें भी दो सुराख कराए हैं और इसमें चूड़ी डाली हुई है। तो इसके नीचे, इस तरह के बुश के नीचे ये मैंने पतरी वेल्ड कर दी, ये देखें, ये देखें। तो ये इस तरह इसका एडजस्टेबल बना दिया है इधर से ग्राइंडर से इसकी रगड़ाई वगैरह करके, तो इस तरह आप बना सकते हैं। तो ये शाफ्ट है, तो इसमें ये इस तरह फिट हो जाएगा इस तरह। तो इससे भी हम आगे पीछे इसकी इस तरह घुमा भी सकते हैं। और इसमें भी एडजस्टमेंट रख दी है, इसको आप आगे पीछे जिस तरह चाहे कर सकते हैं, इधर 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 उधर जिस तरह मर्जी चाहे। तो ये इस तरह की एक पतरी ली थी मैंने, ये देखें, इसको पहले बैंड किया है, फिर इसकी आगे से रगड़ाई की है, फिर इसके अंदर इस जगह पे ग्राइंडर से जरी डाली है, ये देख लें। ये जरी डाल के फिर इसको पॉलिश वगैरह भी मज़ीद करेंगे, कुछ किया है। और इधर भी जरी डाली है इनके बराबर, तो इंशाल्लाह वो भी हम आगे इसको अच्छी तरह भी पॉलिश करेंगे। इसको मैंने काफ़ी हद तक कर दिया है, लेकिन अभी दूसरी वाली पॉलिश वाली लीक से इसको मज़ीद पॉलिश करेंगे। तो ये बेहतरीन हमारी चीज़ बन गई है। तो ये दो कान इस तरह बनेंगे, इस तरह पंखे को लगेंगे, ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा इस तरह। तो दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आगे हम इसकी फिटिंग करेंगे जिस जिस तरह उस तरह मैं आपको इसकी सारी वीडियो की जो भी है बना के दिखाता जाऊंगा। तो ये एक मैंने बनाया था, ये आपको दूसरा दिखाने के लिए, ये भी इंशाल्लाह मैं बाद में इसकी सेटिंग कर लूँगा। डाई भी हमारी कंप्लीट हो गया। अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इसका स्टैंड बनाएंगे जिस पर ये सारी चीज़ें फ़िट होंगी। तो दोस्तों, वीडियो और भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं वो देखा करें, वीडियो को एंड तक देखा करें तो आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ सके। तो कोई भी आपका सवाल हो तो वो मुझे नीचे आप कमेंट्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई इस तरह की मशीन है या कोई और चीज़ आपने तैयार की हुई है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूँगा, उससे थोड़ा दोस्तों को फ़ायदा हो जाएगा। अगर इस मशीन के बारे में भी आपके पास कोई आइडिया है इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम दोस्तों, जो दोस्त मशीन बनाना चाहते हैं वो अच्छी तरह से मशीन बना सकें। तो जी दोस्तों, तो इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो अल्लाह हाफिज़।